मैं एवरेज पर बात कर रहा हूँ आपसे, एवरेज पर मैं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ आपसे। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया, जिसमें पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया, अब मैं देखता हूँ कि और छोटे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। सोचिए एक प्रश्न पर बात करें कि 15 व्यक्तियों के पास औसतन 120 रुपया था, 15 व्यक्तियों के पास औसतन 120 रुपया था, एक व्यक्ति चला गया, अब औसत 5 रुपये कम हो गया, जाने वाले के पास कितने रुपए थे, ये प्रश्न पूछा गया। जाने वाले के पास कितने रुपए थे, अगर आप फिर लगाएंगे क्वेश्चन तो कैसे लगाएंगे? देखिए बेसिक तरीके लगाने का क्या तरीका है कि भाई 15 व्यक्ति थे और 120 औसत था, इसका मतलब कुल 1800 रुपए थे। अब एक चला गया तो बचे कितना, 14। अब उनका 5 रुपए एवरेज कम हो गया 115, तो अब 1610 रुपये बचे। तो बताइए पहले 1800 रुपये थे, अब 1610 बचे, तो जाने वाला क्या ले गया, घटा के देख लीजिए, 190 रुपया ले गया। ये रहा बेसिक तरीके से, लेकिन अगर आप इसे सोच लें केवल तब भी तो उत्तर बन जाएगा। ऐसे सवाल लगाने की ज़रूरत क्या है, ऐसे सोचिए कि अच्छा बताइए जब सबका एवरेज 120 चल रहा है तो अगर जाने वाला अपना 120 लेकर चला जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु उसके जाने से जो 14 लोग बचे थे उनका एवरेज 5 अंक घटा है। एवरेज 5 अंक घटने का मतलब सभी पदों में से 5 कम हुआ होगा। अगर 14 लोगों में से 5 कम हुआ होगा तो कौन लेकर गया होगा, जो जाने वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि 120 तो वह लेकर गया ही गया, प्लस 14 बार 5-5 रुपये और ले गया, 14 बार 14 पचे 70 ले गया, और इस प्रकार से वो 190 रुपया ले गया, यानी उसके पास 190 रुपये थे। तो बिना कैलकुलेशन के आप ये सवाल कर सकते हैं। एक सवाल क्रिकेट पर देखिए, क्रिकेट पर एक क्वेश्चन बनता है जो कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है कि मान लीजिए एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया, 16 पारियों में कुछ रन बनाया, 17वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। अंतिम पारी के बाद उसका नया औसत क्या है, ये सवाल पूछा गया। मैंने बोला कि एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया, 17वीं में उसने 90 रन बनाया, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया, अंतिम पारी के बाद उसका नया औसत क्या है। अगर एक मैंने जो फार्मूले लिखवाया आपको, उस फार्मूले पर अगर इसको आप लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बनाए गए कुल रनों की संख्या अपन खेले गए कुल पारियों की संख्या। मैं मान लेता हूँ, हल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि माना 16 पारियों तक औसत x था, औसतन x रन उसने बनाया था 16 पारियों तक, तो कुल रन फिर कितना हुआ, 16x, 16 पारियों तक कुल रन कितना हुआ 16x, और 17वीं पारी में अभी अभी उसने 90 रन बनाया। बताइए 16 पारियों तक कुल रन ये है और 17वीं पारी में अभी अभी ये रन बनाया, यानी उस बल्लेबाज ने अपने जीवन काल में कुल इतने रन बनाए।
अपन खेले गए पारियों की संख्या कितनी होगी, 16 पहले वाली और एक अभी वाली, 17 पारियां खेल दिया। अब बताओ इसका नया एवरेज आना चाहिए, नया एवरेज क्या आना चाहिए, पुराने एवरेज से 3 ज़्यादा, यानी एक्स प्लस 3। अब अगर आप इसे सॉल्व कर दे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी पुराना औसत आपको मिल जाएगा, पुराने औसत में आप 3 जोड़ देंगे तो नया औसत मिल जाएगा। आइए 16x प्लस 90 बराबर 17 उधर जाएगा तो 17x प्लस 51। अब 16x हम उधर ले जाते हैं तो x बचेगा और 51 इधर लाते हैं तो 39 बचेगा, यानी उसका पुराना औसत 39 मिल गया। अब अगर इस 39 में हम 3 जोड़ दें, क्योंकि नया एवरेज तो प्लस 3 होना चाहिए, तो आपका उत्तर आ गया 42। ये आपका आंसर है आ गया। लेकिन इतना हम टाइम क्यों देना चाहते हैं सवाल को, हमें तो सवाल जल्दी करना है, तो इतना समय तो हम नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, ज़रा सोचिए, 16 पारियों तक उसका औसत एक्स चल रहा है, मान लीजिए 17वीं पारी में भी उसने एक्स ही बनाया होता तो क्या होता, अगर 17वीं पारी में भी उसने एक्स रन बनाया होता तो बिल्कुल एवरेज नहीं बढ़ता। लेकिन सवाल कह रहा है कि औसत तो 3 बढ़ा है, औसत 3 बढ़ा है इसका मतलब उसे 17वीं पारी में कितना रन बनाना होगा, एक्स रन तो बनाना ही बनाना होगा प्लस 17 बार 3 रन और बनाना होगा, तब ना औसत 3 बढ़ पाएगा। तो एक्स रन तो बनाना ही चाहिए प्लस 17 बार 3 रन और बनाएगा तो 51 रन और बना देगा, यानी हमारे हिसाब से 17वीं पारी में उसे इतना रन बनाना चाहिए और उसने बनाया है 90, फिर तो बात बराबर हो गई। तो बताइए एक्स बराबर क्या हुआ, ये 51 उस साइड जाएगा तो हम तुरंत 39 पर आ गए। अब अगर इस 39 में आप 3 मिला दें तो 42 हो जाएगा। आप देख लीजिए कहाँ चला गया वो बनाए गए रनों की संख्या बटे खेले गए पारियों की संख्या, मतलब अगर आप बेहतर सोच सकते हैं तो आपका उत्तर तुरंत आ सकता है, इसके लिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलें, हम टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय। आपको ऐसे सवाल मिले होंगे लगाते समय कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो सब बड़ी वाली बता दो छोटी वाली बता दो, ऐसे सवाल बनते। तो चलिए 3-4 छोटे छोटे सवाल हम करते हैं। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए, ये सवाल पूछा गया, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। हम लोग कैसे लगाते हैं इसको, पहले एकदम बेसिक जो आपका अपना तरीका था पहले मैं उसी तरीके से करूँगा। तो मैं लो हम लोग क्या करते थे पहले कि मान लिया पहली संख्या x है, अगर पहली विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या कौन होगी, प्लस 2 करने पर मिलेगी, तो अगली विषम संख्या x प्लस 2 है, इसके बाद वाली विषम संख्या x प्लस 4 है, इसके बाद वाली x प्लस 6 है, इसके बाद वाली x प्लस 8 है, 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या हमारे पास हो गई। अब इनको अगर इनका हम औसत निकालते हैं तो हमें ऐसे करना पड़ेगा और तब ये आएगा 47। अगर इसे हम हल कर दें तब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आइए देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5x और प्लस 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 बराबर, ये 5 वहाँ जाएगा तो गुणा करेगा, करो गुणा, 5, 7 में 35, 3, 5, 4, 20, 3, 23। अब बताओ 5x बराबर क्या हुआ, ये 20 उस साइड जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, 1, 215। तो x बराबर क्या हुआ, 5 × 20 और 5 × 3 = 15, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या मिल गई, 43 हो गई। बहुत बड़ा सवाल हो गया, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, ऐसे सवालों को आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसे 5 सेकंड में बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब बड़े सवाल आएंगे तो उनको और समय देना पड़ेगा, तो ऐसे सवालों को 5 सेकंड, 6 सेकंड में या 3 सेकंड के अंदर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट में लिखवा दिया है कि यदि संख्याएँ समांतर श्रेणी में हो तो उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है, और ये बताइए कि विषम संख्याएँ क्या हैं, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बिंदु बना लेता हूँ और हमें दिख रहा है कि इस बीच वाली संख्या यही है, और मैंने स्टेटमेंट में लिखवा दिया कि समांतर श्रेणी में
जो उनका औसत होगा, ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो जो 47 लिखा गया है कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो इसका मतलब 47 यही है। अगर ये 47 है तो श्रीमान जी ये 45 है और ये 43 है। बताइए, कहीं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके आगे बढ़ना चाहें तो 49 है और 51 है, पांचों संख्याएं आपके सामने आ गई। इसके लिए हमको ये सब नहीं लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा। तो एकदम केयर करिए इस बात का, बड़े आराम से आप इसका उत्तर बना सकते हैं। अभी तो मैंने विषम संख्याएं लिया है, अभी मैं सम संख्याएं पे लूँगा। पहले विषम पर एक और सवाल कर लिया जाए, एक क्वेश्चन लेते हैं कि सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है, औसत 64 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ऐसा सवाल आपको नॉर्मली दिख जाएगा, छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। बताओ सात क्रमांक संख्याएं 64 है, तो हम क्या करेंगे कि सात बिंदी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आपके हिसाब से इन सातों संख्याओं का एवरेज कौन हो सकता है? भाई ये हो सकता है, और ये 64 है। बताओ अगर ये 64 है तो सम संख्या है, तो आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 66, ये क्या हो जाएगा 68, ये क्या हो जाएगा 70। आपका ये आंसर आ गया, आ गया। सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 70 है। अब लीजिए, अब सम संख्या पर लेते हैं, छह संख्या लेते हैं, तब जरा छह संख्याओं पता करना पड़ेगा इसमें बीच वाली संख्या कौन है, क्योंकि इसमें बीच में बिंदी मिलेगी नहीं। देखिए छह क्रमागत विषम संख्याओं का, छह क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 52 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या बताइए। अब बताइए छह क्रमागत संख्या है, मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6। बताइए आप छह संख्याएं अगर सामने हैं तो ठीक बीच में कौन है? कोई नहीं भाई, ये है लाइन है। अब ये लाइन ही 52 है, बताइए जब बीच में यही तो है बिंदी, तो ये हो गया 52। आप बताइए अगर ये 52 है तो इसके अगल बगल में कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है? 52 के पहले कौन मिलेगी? 51, और 52 के बाद कौन मिलेगी? 53। अब आपका ये काम समाप्त, इस 52 को आप यहाँ से हटा सकते हैं, कोई आवश्यकता है नहीं। हमको सबसे छोटी संख्या बतानी थी, तो 51 से वापस आ जाइए, ये 49 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। अगर मुझे बड़ी संख्या बतानी होती तो ये 55 होता, ये 57 होता, देख रहे हैं। तो अब बहुत आराम से इन संख्याओं को हम, जीरो लेवल ही है मैं जानता हूँ, लेकिन है तो, अब इसमें क्या है कि अगर ऐसे सवाल आप तुरंत कर ले जाएं तो आपका क्या होगा कि बहुत सारा समय बच जाएगा, और जब समय बचेगा तो आप उन कठिन प्रश्नों पर भी बात कर पाएंगे। एक हम सम संख्या पर भी ले लेते हैं, आठ संख्याएं लेते हैं, आठ क्रमागत सम संख्याओं का औसत 83 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब देख लीजिए एक्स की छुट्टी हो गई है, अब हमें एक्स नहीं लिखना पड़ रहा, तो मैं क्या करूँगा, पहले आठ बिंदी बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन आठों संख्याओं में से बीचों बीच पर बात करें तो ये लाइन हो सकती है, और यही लाइन आपकी 83 है। अगर ये 83 है तो इसके पहले 82 है, इसके पहले 84 है, इसके बाद वाला, अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। हमें जब 84 मिल गया तो हम बड़ी संख्या मुझे बताना था तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 90। इस प्रकार की संख्याएं आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बहुत छोटे छोटे सवाल है, लेकिन देखिए इन सवालों को हम कितने आसानी से कर सकते हैं। और एक और सवाल लेते हैं,
उस पर ले लेते हैं जो हमने समय के लिए बोला है। जी हाँ, लेते हैं चाल दूरी के लिए। मैं लेता हूँ एक सवाल, यदि दो बराबर दूरियाँ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या है? औसत चाल बताइए। आप देखेंगे 20 और 30 से अगर हम चल रहे हैं तो औसत चाल के लिए हमारे पास एक फार्मूला हमने लिखवा रखा है, 2xy/x+y। आप वैल्यू रख सकते हैं, 2×20×30/20+30। अब आप इसे जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2×20×30/20+30=50। याद आ रहा है ना फार्मूला? भी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो मैंने बनाया था, 2xy/x+y, इसी फार्मूला में वैल्यू रख रहे हैं। एक जीरो यहाँ से कट गया, 5×20, 2×8=24 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया। लेकिन मैंने बताया था कि फार्मूले की आवश्यकता पड़ती नहीं है, आप इसे एलसीएम के तरीके से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी फार्मूले की। देखिए, सपोज करिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 60 किलोमीटर। मान लीजिए वो जो दो बराबर दूरियाँ थी वो 60 किलोमीटर रही होंगी, 60 किलोमीटर दो बराबर दूरियां जो हमने लिया है उन दोनों के एलसीएम के बराबर मैं एक दूरी मान लेता हूं, तो इनका एलसीएम जो है 60 आया। तो मैंने मान लिया कि पहली दूरी भी 60 किलोमीटर है, दूसरी दूरी भी 60 किलोमीटर है। आप बताइए जब 60 है तो एक आदमी अगर जाएगा यहां से वहां तक, टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया उसने? 120 किलोमीटर। बताओ 60 मिलकर कितना हुआ? 120 किलोमीटर। ये पहला वाला 60 जो है वो 20 की चाल से चलेगा तो कितना देर लगेगा? 20 या 60, 3 घंटे लगेंगे। और इस डिस्टेंस को 30 की चाल चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया? 3×2=5 घंटे में। बताओ 120/5 क्या होता? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे? अब ये सवाल है, अब सोचिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बड़ा सवाल हम ले लिए और फार्मूले पर रखने की कोशिश करेंगे तो इतना बड़ा फार्मूला बन जाता है कि फिर हल नहीं हो पाता। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए यदि 4 बराबर दूरियों को क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल क्या हो जाएगी, यही पूछा गया। अभी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगा भैया? वायुयान होगा, प्लेन जो है 4 बराबर दूरियों को तय कर रहा है इस चाल से। तो अब हमें देखना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। चलो मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले इन चारों संख्याओं का एलसीएम लेता हूँ, क्योंकि अगर फार्मूला लगाए तो हालत ख़राब हो जाएगी। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, मान लीजिए आप में से किसी की इच्छा है नियम फार्मूला से लगाएंगे तो भैया लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 4abcd/abc+bcd+cda+dab, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर रखकर आप सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं तो ऐसे करता हूँ, इन सारी संख्याओं का एलसीएम ले रहा हूँ। कितना आ जाएगा एलसीएम? 2400 एलसीएम आ रहा है, ये है एलसीएम आपका। अब जो 4 बराबर दूरियां मैं ले रहा हूँ, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी 4 दूरी, और सब 2400, ये भी 2400 है, ये भी 2400 है, ये भी 2400 है और ये भी 2400 है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? 9600। अब बताइए इस 2400 को 200 की चाल से चलना है, 200 की चाल से 2400 चलोगे तो 12 घंटा लगेगा। इस 2400 को 400 से चलोगे, 4×6=24, 6 घंटा लगेगा।
इस 2400 को 600 की चाल चलोगे 6 × 24 चार घंटा लगेगा, और इस 2400 को 800 की चाल चलोगे 3 घंटा लगेगा। टोटल टाइम क्या लग गया, 12, 6, 18, 18, 4, 22, 3, 25 घंटे लग गए। यानी उस बंदे ने 9600 किलोमीटर दूरी को 25 घंटे में तय किया। एवरेज स्पीड क्या आ गई, 384 किलोमीटर प्रति घंटा, काट लीजिए। आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसे प्रश्नों को, इसके लिए फार्मूला बना हुआ है, लेकिन इस फार्मूले सपोज करो कोई इंसान रखना चाहेगा इसको, तो 200 × 400 × 600, 400 × 600 × 800 इतना जीरो बन जाएगा, इतना जीरो बन जाएगा कि सवाल गलत हो जाएगा, फिर बनाना मुश्किल होगा। तो मैं ऐसे करके तमाम छोटे छोटे सवालों को ले रहा हूँ। आपको करना ये है कि वीडियो को ध्यान से देखिए, और आपको जहाँ कहीं कुछ कम समझ में आए या कोई और बात हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, आप हमें मैसेज करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें बताओ कि आपको और क्या चाहिए। मैं पहले बेसिक हमारा स्टेटमेंट समझ लीजिए, पहले मैं बेसिक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, फिर इसके बाद लेवल 2, लेवल 3 तक जाऊँगा। तो पहले मैं एक तरफ से, जो पहले जो लोअर लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके, इसीलिए पहले छोटे छोटे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए। धन्यवाद।